क्लासेस में। दोस्तों आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में, और अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। दोस्तों अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीडीपी सीटेट टेस्ट सीरीज फर्स्ट, जो कि 1 to 6 के लिए है और ये टेस्ट सीरीज हमारी फर्स्ट है। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अथवा संवेदी प्रेरक अवस्था, बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए हम बात करते हैं, जो बच्चा होता है तार्किक रूप से वह जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या बोझ समझ बढ़ाने की तकनीक से। दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो यहां पर जो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता अथवा पढ़ाने की उत्सुकता। दोस्तों कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन हमारा सही है, बताइए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, बताइए दोस्तों किसे अत्यधिक विशेषता मानना चाहिए। तो जो ऑप्शन हमारा होता है धैर्य और दृढ़ता, जो ऑप्शन हमारा होता है धैर्य और दृढ़ता, चलिए ऑप्शन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है, इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। ये रहे आपके सामने ऑप्शन, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, अथवा अभिभावकों को उस विद्यालय में से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, अथवा अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो दोस्तों बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो ऑप्शन जो हमारा सही हो रहा है बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों पीएस क्लासेस आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आया है, सी टेट की टेस्ट सीरीज 6 to 8 का भी है और 6 to 1 to 6 का भी है। तो आज जो है 1 to 6 की सीडीपी की फर्स्ट टेस्ट सीरीज लेकर के मैं प्रेजेंट हुआ हूं। दोस्तों आज का जो अगला इसमें क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर अथवा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, बताइए कमेंट करके और एंड में बताइएगा कितना आपका स्कोर गया। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही जाता है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगले क्वेश्चन को लेते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पे, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, बताइए दोस्तों इसमें से
कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है, बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है, बताएं कि ओर संकेत करती है, तो हमारा जो पाठ शब्दावली है ये संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्यता बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, अथवा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हम आपका सही होगा, बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो जो ऑप्शन हमारा सही की तरफ जाता है वो होता है सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी अथवा कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बताइए दोस्तों कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, वह जो भावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होता है, बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होता है। तो अगर देखा जाए तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण इसमें से डी ऑप्शन की तरफ जा रहा नहीं होता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो अगला जो है हम यहां पर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम यहां पर लेते हैं और ध्यान देते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे। प्रश्न आपका है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है, बताइए ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जो कि यहां पर जैसे बच्चों की दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन शब्द आ गया तो ये पियाजे से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, पियाजे से, ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कृतिका का अक्षर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहां से जो ऑप्शन हमारा सही निकल रहा है सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाज शास्त्र, बताइए दोस्तों एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है, बताइए दोस्तों इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही होता है, शिक्षा मनोविज्ञान, क्या सही होता है, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है, सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता का नियम, या सीखने का सादृश्यता का नियम।
तो बताइए दोस्तों, ये जो सही होता है ऑप्शन, यहां पर देखिए लिखा है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो ये ऑप्शन हमारा ले जाता है हमें डी की तरफ, सीखने का सादृश्यता का नियम। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरे के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता। तो इसमें डी सी बी जो है होता है और क्या नहीं होता है, ए, तो ऑप्शन ए सही होता है, दूसरों के साथ झगड़ना इसका प्रतिभाशाली होने से कोई लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लेते हैं, विशेष अवस्था वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालय में शिक्षकों द्वारा या अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो यहां पर जो है समावेशी शिक्षा को अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन हमारा सही होता है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या अवसर शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना या अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो दोस्तों बताइए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए, बताइए के प्रति सचेत होना चाहिए। तो ऑप्शन जो हमारा इसमें सही होता है वो जाता है बी की तरफ, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। तो अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं और यह आता आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहल बर्ग द्वारा, बताइए दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा किया गया था, बताइए गाइज, मैं आपका कमेंट ले रहा हूं, बताइए इसमें से क्या है प्रश्न कि बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है किसके द्वारा, बताइए। तो ये की गई है पियाजे के द्वारा, किसके द्वारा, पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, पावलोव ने, जीन पियाजे या वाइगोत्स्की या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, बताइए। सीखने के यहां पर है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, डी यहां पर ऑप्शन सही होता है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। अगला हम प्रश्न लेते हैं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या नकारात्मक, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और यहां पर ए होता है अग्रोन्मुखी, मतलब उन्हें फीडबैक देना चाहिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबद्ध का सिद्धांत। तो यहां पर गाइस कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, निरंतरता का सिद्धांत ए। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, गणितीय विकास, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकास या मानसिक विकास, विकास न होकर विकार होगा, तो यहां पर डिसलेक्सिया जो होता है पठन विकार से होता है, किससे होता है, तो पठन विकार से होता है। अगला हम प्रश्न लेते हैं और इस पे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना या परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना या अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो बताइए दोस्तों ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, बताइए दोस्तों।
निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन हमें किस तरफ ले जाता है, सोचकर बताइए ऑप्शन हमें किस तरफ ले जाता है, बताइए दोस्तों। ये ऑप्शन हमें ए की तरफ ले जा रहा है, सबसे बेस्ट है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला दोस्तों है प्रश्न, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, शिक्षक कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सीटेट की एक बड़ी खासियत है कि जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है वही हमारा अक्षर सही होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें समाहित होती हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन हमारा सही होता है। ये था प्रश्न, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। अगला प्रश्न लेते हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, या अगर कहा जाए तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो यहां पर देखा जाए तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है 12 वर्ष या एवं ऊपर, अर्थात औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अन अधिगमन भी सीखने की प्रक्रिया है, और शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त हो सकता है, जहां अधिगम प्राप्त हो सकता है। तो यही ऑप्शन डी हमारा जो है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता में नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन जो जा रहा है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए एवं और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, भी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। तो जो सबसे अच्छा अगर हम देखते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, तो विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगति की अवस्था, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। बताइए गाइस इसमें से कौन से ऑप्शन के तरफ हम चलें? तो यहां पर जो ऑप्शन हमें निकल करके आ रहा है बी है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये यहां पर संबद्ध नहीं है किससे, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से। तो दोस्तों ये रहा सीडीपी टेस्ट सीरीज सी टेट के लिए, जो कि 30 तारीख को आगामी होने वाला है जनवरी में, और इसके बाद दूसरा हमारा पार्ट आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, रेगुलर आता रहेगा। आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और इसमें स्कोर कितना जा रहा है बताएं, वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच।